पता नहीं अम्मा खाना खाई हो कि नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे मिश्री, हे भगवान, ये कहाँ है? ओह शीजगर, ये टाटी ने किया। हिम्मत हरानी, पूर्णी तो लगता है गुस्से में कतई पगला गई है। नहीं बड़ी दादी, हमने दादी माँ का गुस्सा देखा है, और ये गुस्सा नहीं था, ये कुछ और था। मानो उनके सर पर भूत सवार हो। उन्होंने अपनी दवाई को भी चूर चूर कर दिया। चल जो भी है, पहले तेरी मरहम पट्टी कर दे, पूर्णी का बाद में कुछ सोचते हैं। इतना टाइम नहीं है बड़ी दादी, पहले दादी माँ की हालत भूख की वजह से और खराब होती जा रही है, और वो नॉनवेज के अलावा कुछ खाने को तैयार ही नहीं हो रही। हिम्मत, पहले जब पूर्णी का कछु खाने का दिल करता था ना, तो विद्या उसके लिए उसकी मन पसंद का सोया चाप बनाया करती थी। हम है ना, दादी माँ को जो चाहिए हम लेकर आएंगे बड़ी दादी। मतलब मांस मांस लेकर आएगी मौसी जी? और का यशोदा, बेटा हम जानते हैं कि तुझे माँ की चिंता है, लेकिन अवस्थी हाउस में मांस मच्छी ये वर्जित है बेटा, और माँ ने ही ये नियम तय किए हैं। हमें लगता है कि प्रताप, वो सब बात छोड़ो, पहले बौरिया की चोट खुली है, उसके मरहम पट्टी तो कर दे। बड़ी दादी हम ये देख लेंगे, अभी हमें दादी माँ के बारे में सोचना चाहिए। अरे वो तो आप नहीं है, नहीं तो कब हम ऐसी अनर्गल बात नहीं करती। हम कह रहे हाँ चिंजी को, अगर दादी किसी को फोटो में भी चिकन खाते हुए दिखती है ना, तो एकदम ऐसे फेसेस बनाती है। हाँ भाभी, हमें लगता है हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। ढूंढना होगा नहीं, ढूंढ लिया है हमने। आप सबसे कहा ना, आप हम पर भरोसा रखिए, दादी माँ को जो चाहिए हम लेकर आएंगे।